हेलो फ्रेंड्स, पूजास किचन में आपका वेलकम है। आज हम बनाएंगे पनीर की भुर्जी। वैसे तो पनीर की सभी डिशेस सबको बहुत पसंद आती है, लेकिन पनीर की भुर्जी आसानी से बन जाती है और बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। तो आइए शुरू करते हैं पनीर की भुर्जी बनाना। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए मैंने 300 ग्राम पनीर लिया है, 3 बड़े टमाटरों को बारीक काट लिया है, 2 बारीक कटी हुई प्याज, 1 कप मटर, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ अदरक, 2 चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 चम्मच गरम मसाला, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच हल्दी पाउडर। इसमें मैंने थोड़ा सा जीरा, थोड़ा सा साबुत धनिया और थोड़े से कलौंजी के दाने लिए हैं। इससे सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है। और सब्जी बनाने के लिए तेल। शुरू करते हैं पनीर की भुर्जी बनाना। पनीर की भुर्जी बनाने के लिए एक पैन में तेल डाल के गर्म कर लेंगे। ये मैंने 2 बड़े चम्मच के करीब तेल डाला है। अब हमारा तेल गर्म हो चुका है। अब हम इसमें धनिया, जीरा, कलौंजी के बीज जो लिए थे वो डालेंगे। धनिया, जीरा और कलौंजी भुन चुकी। अब हम इसमें बारीक कटा लहसुन डालेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे अच्छी तरह से। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे और इसको भी अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। पनीर की भुर्जी बनाना बहुत ही आसान है और ये बहुत ही स्वादिष्ट लगती है खाने में और बहुत जल्दी बन जाती है। अब हमारा अदरक लहसुन अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसमें कटी हुई हरी मिर्च डालेंगे और इसको भी थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। अब हम इसमें बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और प्याज को अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। अब हमारी प्याज फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें थोड़ा सा नमक डालेंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही नमक डालिए। 1 टेबलस्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हमने हरी मिर्च भी डाली है तो लाल मिर्च आप जरा देख के डालिएगा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। अगर आप ज़्यादा तीखा खाते हैं तो ज़्यादा डालिए और कम तीखा खाते हैं तो कम डालिए। अब हम इसमें ये बारीक कटे हुए टमाटर डालेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको ढककर तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारे टमाटर अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते। अब हम अपने मसाले को देख लेते हैं। अब हमारा मसाला अच्छी तरह से कुक हो चुका है। अब हम इसमें मटर डालेंगे। इनको हम ढककर तब तक कुक करेंगे जब तक कि हमारे मटर अच्छी तरह से कुक नहीं हो जाते। अब हम अपनी सब्जी को देख लेते हैं। अब हमारी मटर अच्छी तरह से गल चुकी है। अब हम इसमें 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें ग्रेटेड पनीर डालेंगे डालके इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से पनीर को मसाले में। 1 मिनट के लिए हम इसको मसाले में कुक होने देंगे और हमारी सब्जी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। आपके घर में अचानक कोई गेस्ट आ जाते हैं तो सबसे आसान सब्जी है पनीर की भुर्जी बनाना। और आपके पास अगर मटर है तो आप उसमें मटर डाल दीजिए और मटर पनीर की भुर्जी बहुत ही टेस्टी लगती है। अब हम अपनी गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और अपनी भुर्जी को सर्व कर लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हमारी मटर पनीर की भुर्जी बिल्कुल तैयार है। अब आप इसको धनिया या पुदीने के पत्ते से गार्निश कर दीजिए इस तरह से। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मुझे लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।